साथियों नमस्कार, मैं हूं अमर प्रताप सिंह, आप देख रहे हैं एसके इंडिया न्यूज। महाराजगंज ब्लॉक क्षेत्र के पुरासी गांव में विगत 20 फरवरी को हुए कोटा चयन का मामला अब प्रदेश के उच्च न्यायालय इलाहाबाद की लखनऊ बेंच के सामने पहुंच गया है। ताजी खबर यह आई है कि चयन प्रक्रिया में भारी धांधली बरतने की शिकायत पर सुनवाई करते हुए लखनऊ की खंडपीठ ने फिलहाल कोटेदार चयन प्रक्रिया पर स्टे कर दिया है और मामला विचाराधीन है। आपको बता दें कि पुरासी गांव में नए कोटेदार चयन को लेकर काफी दिनों से खींचतान चल रही थी। इस कोटे की चयन प्रक्रिया में दो गुट आमने सामने थे। एक पक्ष जहां कोटे के लिए चुनाव कराने पर तुला था, तो वहीं दूसरा पक्ष लगातार चुनाव करवाने पर लगा हुआ था। अंततोगत्वा जिला अधिकारी के हस्तक्षेप से विगत 20 फरवरी को कोटे की चयन के लिए खुली बैठक बुलाकर गांव में मतदान कराया गया, जिसमें दो उम्मीदवार खड़े हुए थे। इनमें कविता को 9 वोटों से विजयी घोषित करने के बाद गांव में काफी बवाल मचा था। बड़ी तादाद में ग्रामीणों ने नारेबाजी करके प्रशासन पर गलत हथकंडे अपनाकर कविता को 9 वोटों से जिताकर धांधली करने का आरोप लगाया था। मामले को लेकर पराजित घोषित की गई प्रत्याशी वंदना ने स्थानीय स्तर से लेकर जिला प्रशासन तक कोटा चयन प्रक्रिया को रद्द कराकर नए सिरे से चुनाव कराने की मांग की थी। आरोप है कि प्रशासन ने सुनवाई नहीं की तो उसने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। वंदना का दावा है कि आज माननीय उच्च न्यायालय ने अस्कन आदेश देते हुए अग्रिम कार्यवाही पर रोक लगा दी है। इसी क्रम में संपूर्ण समाधान दिवस में इस बात का हलफनामा देते हुए हाईकोर्ट के आदेश का अनुपालन कराने की मांग की है। उधर इस बात की जानकारी जब गांव में पहुंची तो वंदना के समर्थकों ने गोले पटाखे दागकर खुशी का इजहार किया, वहीं दूसरे पक्ष के खेमे में मायूसी छा गई। आइए देखते हैं एसके इंडिया न्यूज के लिए रायबरेली से रजनीकांत अवस्थी की रिपोर्ट। दादा, क्या मामला है और किस लिए यहाँ आ जाए थे? चंद्र प्रकाश संपूर्ण समाधान दिवस में जी, चंद्र प्रकाश मिश्रा जी, चंद्रभाल मिश्रा जी, निवासी पुरासी जी, तहसील महाराजगंज रायबरेली। समाधान दिवस में आने का पर्पज ये था कि हमारे ग्राम सभा पुरासी में आज लगभग एक महीना पूर्व जो है कोटे का चयन हुआ था, उसमें अधिकारियों ने धांधली करके जो है वो हारे हुए प्रत्याशी को जीता घोषित कर दिया था। उसके खिलाफ जो है हमारे गांव की जो है वंदना प्रत्याशी माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर की थी, जिसमें न्यायालय ने इसका संदर्भ लेते हुए कोटे को अग्रिम आदेशों तक जो है स्थगित कर रखा है और हमको निर्देश ये मिला है उच्च न्यायालय से कि आप माननीय उप जिलाधिकारी महोदय को एक अफिडेविट के साथ इस आशय का एक प्रार्थना पत्र उपलब्ध करा दें कि हमारे गांव के कोटे के विषय में माननीय उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी है और खिलाफ पार्टी जो जीती हुई है उसको अगली प्रक्रिया की अधिकारियों को जानकारी होने के बाद अगली प्रक्रिया से रोक दी।